से किया कि नारियल वितरण किया जाए, फिर साब नारियल पर टूट पड़े। पंडाल में क्षमता मात्र 50,000 लोगों की थी, 1.5 से 2 लाख लोग हो गए एक के ऊपर एक। भगदड़ मच गई, सब घबराने लगे, अधिकारी वगैरह सब घबराने लगे, कार्य सेवक भी घबराने लगे। अब जो नारियलों में सिंदूर लगा था वो उड़ने लगा, तो आंख में और नाक में जाने लगा। एक माता जी सागर के नजदीक के गांव की 6 माह की बच्ची लेकर के बीच में बैठी थी, 6 माह छोटी सी बच्ची, वो भी नारियल लेने आई थी, प्रसाद लेने आई थी। भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई, गसागसी मच गई, और वो सांस रुकने की दिक्कत के कारण भगदड़ मची तो वो 6 माह की बच्ची हाथ से छूट गई भीड़ में। अब छूट गई सो तो ठीक है, सत्य बता रहे हैं व्यासपीठ से, वहां की घटना बहु प्रसिद्ध भई है, कहीं मिली नहीं, ढूंढ ढूंढ कर हैरान हो गई बिचारी वो माँ, आंखों में उसके आंसू आ गए, बेहोश हो करके गिर पड़े, रोए चिल्लाए, पर भीड़ में कौन सुनने वाला। पुलिस वालों ने देखा तो माता जी को टांग करके मंच तक लाए, लोग पुलिस वालों को लगा कि इनको सांस लेने में दिक्कत है, तो हवा पानी किया, पानी पिलाया, पूछा माता जी अब ठीक हो। उसे थोड़ा सा होश आया और चिल्ला करके बोली कि हमारी 6 माह की बच्ची है, अब गिर गई। कार सेवक बोले महाराज जी होश उड़ गए, 6 माह की बच्ची इतनी भगदड़ मची है, निश्चित रूप से चिपल गई होगी, पिचल गई होगी, जाए कौन। एक दो अधिकारी बीच तक गए पर मिले कौन, वो भी भीड़ के मारे वापस आ गए। मैं चिल्लावे हमारे पास संदेशा आया, महाराज जी ऐसी ऐसी घटना घट गई, हम हवन में बैठे थे उस वक्त, नित्य आहुति करते थे, हमारी आंखों में आंसू आए कि प्रभु हमारी नाक की कौन पूछता, आपकी नाक की बड़ी बात है, ऐसी लीला मत करना, उस बालका की रक्षा आप जरूर करना पिता बनकर के। और हम खूब रोए, सत्य बता रहे हैं। कार सेवक हमें बता रहे थे महाराज जी हम उन माता जी को सोचा कि कहीं यहां पर कुछ अनहोनी इनके साथ ना हो जाए, तो पंडाल से हाथ पकड़कर बाहर ले गए ताकि खुले में थोड़ी हवा लगे। बाहर वो बेहोश हो गए, और फिर जैसे ही होश आवे सो चिल्लावे कि हमारी बच्ची ला दो, हमारी बच्ची ढूंढ दो, हमारी बिटिया ढूंढ दो, हमारी बच्ची ढूंढ दो। अब कौन जवाब दे रहे, लेकिन तब तक एक घटना घटी। क्या घटना घटी, सफेद कपड़ा पहने कोई पगड़ी बांधे हुए 6 माह की बच्ची उतनी भीड़ में किसी से नहीं, उसी माँ से आकर पूछता है कहीं ये तुम्हारी बच्ची तो नहीं है माता जी। जब कार सेवकों ने हमें बताया हृदय हमारा फूट पड़ा, हम चिल्ला करके बोले साधु संते के तुम्हें रखवारे, साधु संते हे हनुमान जी तुम्हें